कांग्रेस पार्टी महासमुद्र है, इस समुद्र में सबका विलय होता है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से सीटों पर तकरार के बीच कांग्रेस ने पहले खुद के समंदर होने का दावा किया, फिर समाजवादी पार्टी को बराबरी का वास्ता देकर 5 सीटों पर यही दावा दोहरा दिया। 5 सीट जो भाजपा जीती थी वो हमने 5 सीटों का डिमांड किया है। निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का है, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे मैंने प्रस्ताव दिया है, मिलके लड़ेंगे और जंगल राज को खत्म। 5 सीटें न मिली तो वो न तो चुनाव लड़ेगी न प्रचार करेगी। कांग्रेस की तरफ से समाजवादी पार्टी को ये चेतावनी पहले भी मिल चुकी थी, लेकिन हर गफलत मिटाने का मन बना चुकी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को आईना दिखा दिया। जो बड़े लोगों की बात आपस में होती है वो वार्ता भी हो गई है, मुझे लगता है जो समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रस्ताव दिया है और जो अंतिम प्रस्ताव गया है उनकी तरफ से भी उसमें बात हो चुकी है, तो उनके केंद्रीय नेतृत्व से मोहर लगनी है, उस पर जो निर्णय उनका आएगा उसके हिसाब से। इस तरह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इशारों में छोटा आदमी बता डाला और एक तरह से साफ कर दिया कि कांग्रेस के दावे में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। लखनऊ में बैठे अखिलेश यादव ने इसे और पुख्ता कर दिया, मीडिया के सामने आए तो जो कहा बीजेपी के लिए कहा, कांग्रेस का नाम तक न लिया। ये इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, वो हमारी बातचीत है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को 2 सीटें ऑफर की गई हैं। इसमें एक है गाजियाबाद सदर सीट, जहां 22 साल से कांग्रेस का खाता नहीं खुला, और दूसरी अलीगढ़ की खैर सीट है, जहां कांग्रेस 44 साल से जीत की राह देख रही है। यूपी उपचुनाव के लिए पर्चा भरने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर की है, मतलब चुनावी समझौते के लिए गिनती के दिन बचे हैं। उधर बीजेपी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस खटपट पर चुटकी ले रही। केवल ये सीटों का पेच ही नहीं है बल्कि खुराफाती खुड़पेच भी है। कांग्रेस का गठबंधन को लेकर जो उनका इतिहास रहा है वो जो है वो दागी रहा है, बेवफाई कर रहा है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट पर जारी तकरार से बीजेपी खुश तो जरूर है, लेकिन असली खुशी किसके हिस्से आएगी ये चुनावी नतीजों से तय होगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.